जैसे आप बोलते हैं कि खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल है, मतलब कई बार सर नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम अपने आप को ना खुश नहीं रख पाते, मतलब एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे आपको देखते हैं हम, आपकी वीडियोस को देखते हैं, आप खुश बहुत रहते हैं, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं, तो सर आपके इतना ऐसे कैसे, मतलब नहीं मेरे को आप देखते ही कितना हो, मतलब हफ्ते में एक मैं सेशन करता हूँ 1-2 घंटे का, उसमें अगर मैं खुश होने की एक्टिंग भी करूं तो आपको कैसे पता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्चुअल में खुश हूँ। तो अगर आपका ये सवाल है कि हमेशा खुश कैसे रहे, तो ये सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, और खुशी को अगर समझना है तो दुख को भी समझना होगा, वो ही एक्चुअल में खुश हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी को समझना है तो सर्दी को भी समझना होगा ना। यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है कि खुश रहने से सिंपल और कुछ नहीं है दुनिया में, खुश रहने से आसान और कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्योंकि ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, तो इसलिए हम इसको बड़ी आसानी से लेट गो कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा खुश कैसे रहते हैं, आप कहोगे अच्छा बस इतना ही है, क्योंकि एक्चुअल में खुश रहना इतना आसान है, इतना सिंपल है कि वो हम कभी समझते ही नहीं है। तो जो सबसे आसान चीजें होती हैं, जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं, उसकी हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढते रहते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उससे, और इस चक्कर में भटक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम सब सांस ले रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसके बारे में सोचते हो, कभी भी सोचते हो, नहीं सोचते, कितनी बड़ी चीज है उसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन अगर सांस ना आए तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप सांस ले रहे हो तब नहीं, जब सांस नहीं आ रही है, जब सांस ले रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस को देख सको। इसको खुशी बोलते हैं, इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है उसको देख लेना। आपको एक शॉर्टकट बताऊं आप लोगों को खुश होने का, अभी खुश हो जाओगे सारे के सारे, पागल हो जाओगे, झूमने लग जाओगे, नाचोगे कूदोगे, कपड़े अपने फाड़ लोगे अपने, मतलब हैं साथ वाले ये बाल बाल नोच दोगे। एक बार माइक दे दो, मैं आपको बताता हूं, देखना अभी खुश हो जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो आंख बंद करो सारे के सारे, अब इमेजिन करो कि आपके पास में जो भी कुछ है जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कुछ लोग हो, भाई बहन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजें हो, एक घर है चाहे किराए का है चाहे अपना है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास में। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और वो सब गायब, सब गया, उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है, कोई इंसान नहीं है, सब गए। अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दे, और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको सब कुछ वापस कर दिया। आंख खोल सकते हो, कैसा फील हो रहा है? अब लगा कि आपके पास में क्या है, तो जब वो चीज छिन जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। माँ है, बाप, भाई है, बहन है, दोस्त है, एक घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ, पता नहीं क्या क्या है, पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए तो सबके रहते हुए ही इसको खुशी बोलते हैं।